नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 9 बजे 9 ब्रेकिंग। शुरुआत करेंगे पहली ब्रेकिंग के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत की झोली में अब तक आए हैं कुल 61 मेडल, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पदक तालिका में भारत चौथे नंबर पर पहुंचा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में, ये पहली बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि गौरव का ये पल जब पदक तालिका में खुद को चौथे नंबर पर देखता है भारत। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर कनाडा और चौथे नंबर पर भारत पहुंचा। लगातार भारत के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत की झोली में अब तक कुल 61 मेडल आए हैं, 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने। और भारत अब पदक तालिका में चौथे स्थान पर आया है। आपको बता दें कि पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे नंबर पर भारत। और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीदें भारतीय खिलाड़ियों के साथ और उम्मीद है कि पदक तालिका में अब और भी आगे भारत पहुंचे। फिलहाल ये बहुत ही गौरव का क्षण जब खुद को भारत पदक तालिका में लगातार ऊपर देखता है। तो 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की ये पहली बड़ी खबर। चलिए अब करेंगे दूसरी ब्रेकिंग का। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 10 अगस्त तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। आपको बता दें कि पहले दिन कई मुद्दों पर जो है तीखी नोकझोंक देखने को मिली बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच। और कानून व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया था और काफी हंगामेदार पहला दिन रहा था। चर्चा कई मुद्दों पर नहीं हो पाई थी। ऐसे में आज देखने वाली बात रहेगी कि विपक्ष किन मुद्दों पर तैयारी के साथ आता है और क्या सवाल आज दागे जाएंगे सत्ता पक्ष की ओर। वहीं आपको बता दें कि देखना यह भी होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। पहला दिन कल था और आज दूसरा दिन है सत्र का। आज भी आशंका जताई जा रही है कि आज भी जो ये सत्र है हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विपक्ष अपनी तैयारी के साथ जो है कल भी आया था। आज देखने वाली बात रहेगी कि किन मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है और जनता के सरोकार से जुड़े कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा विधानसभा में होगी। इसी ब्रेकिंग चंडीगढ़ से है। हरियाणा के 3 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिलाई है सदस्यता। संपत सिंह, राम भगत ने थामा कांग्रेस का दामन। राधेश्याम शर्मा ने भी ज्वाइन की कांग्रेस। तो 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की ये तीसरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस ज्वाइन कराई। पूर्व विधायक है जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिलाई सदस्यता। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के तीसरी ब्रेकिंग हरियाणा से चंडीगढ़। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस में 3 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस से एक बार फिर ज्वाइन की। चौथी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हरियाणा में लंबे की एंट्री हो चुकी है। रतिया में 42 पशुओं में बीमारी की आशंका जताई जा रही है। करनाल में 15 पशुओं में बीमारी की आशंका। यमुनानगर में 4000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देश में कई राज्यों में लंपी बीमारी जो है वो तेजी से फैल रही है। खासतौर पर गौवंशों में ये बीमारी जो है वो देखी जा रही है और स्किन से जुड़ी ये बीमारी है, जिससे जो है गौवंश और अन्य जो पशु हैं वो ग्रसित हो रहे हैं और तेजी से ये जो वायरस है फैल रहा है। ऐसे में जो पशुपालक है उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि
इसको लेकर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार इस पर स्टडी भी कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पशुपालक काफी चिंता में नजर आ रहे हैं। अब लंपी वायरस जो है उसने हरियाणा में भी क्योंकि एंट्री ले ली है, कई पशुओं में ये वायरस देखा जा रहा है। रतिया में 42 पशुओं में इसकी आशंका, करनाल में 15 पशुओं में बीमारी की आशंका बताई जा रही है। यमुनानगर में 4000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं पशुपालक विभाग पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। हरियाणा में लंपी की एंट्री हो चुकी है। रतिया में 42 पशुओं में बीमारी की आशंका देखी गई और करनाल में 15 पशुओं में बीमारी की आशंका। इसी के साथ यमुनानगर में 4000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चलिए अब रुक करेंगे पांचवी ब्रेकिंग का। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के 821 नए केस सामने आए हैं। 906 लोग कोरोना से हुए हैं रिकवर। प्रदेश में 4574 केस एक्टिव है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में मिले हैं 302 नए केस, फरीदाबाद में 72 तो पंचकुला में 19 केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.53% पहुंच चुका है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन ये वायरस अभी तक गया नहीं है। बहुत जरूरी है कि एहतियात बरता जाए और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो जारी रखा जाए। फिलहाल ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदेश में कोविड को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं और कहां से कितने मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 302 मामले सामने आए, फरीदाबाद से 72, पंचकुला से 19 और रिकवरी रेट जो है उसमें फिलहाल लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि राहत भरी बात है। प्रदेश में कोरोना के मामले 821 सामने आए हैं, 906 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और वहीं आपको बता दें रिकवरी रेट जो है उसे अगर देखें तो वो राहत देने वाला। आपको बता दें कि रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि राहत की बात है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके सामने 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के पांचवी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो कितने हैं, किस जिले से कितने मामले सामने आए हैं, ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई हो, लेकिन ये वायरस अभी तक गया नहीं है। सबसे ज्यादा मामले हरियाणा में गुरुग्राम में देखने को मिले हैं, 302 केस हरियाणा में देखे गए। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा 906 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं प्रदेश में और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 302 नए केस मिले हैं, फरीदाबाद में 72, पंचकुला में 19 चले। छठी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज सुबह जेडीयू ने बुलाई अहम बैठक, सीएम नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, जहां पर बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। आज सुबह जेडीयू की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम नीतीश कुमार और मौजूदा जो राजनीतिक हलचल देखी जा रही है उस पर चर्चा फिलहाल इस बैठक में होगी। तो ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। आज सुबह जेडीयू ने अहम बैठक बुलाई है, इसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के आवास पर ये बैठक होगी। बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। चलिए अब रुक करेंगे सातवीं ब्रेकिंग का। हिमाचल प्रदेश के मॉनसून सत्र को लेकर बैठक हुई है। विधानसभा में सुबह 11 बजे होगी बैठक। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में अन्य दल के नेता भी होंगे शामिल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की सातवीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। हिमाचल विधानसभा सत्र को लेकर बैठक हुई और आपको बता दें कि इस बैठक में सत्र को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश की मॉनसून सत्र को लेकर बैठक, विधानसभा में सुबह 11 बजे
ये बैठक होने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज रहेंगे मौजूद, साथ ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में अन्य दल के नेता भी होंगे शामिल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के साथ ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र का आगाज होगा और इससे पहले इस मानसून सत्र को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी। सुबह 11 बजे माना जा रहा है कि यह बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी इस बैठक में होंगे शामिल। बैठक में अन्य दल के नेता भी होंगे शामिल। आज भी ब्रेकिंग का रुख करेंगे महाराष्ट्र से। शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। 14 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 10 से 17 अगस्त तक मानसून सत्र होने की संभावना जताई जा रही है। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने ली थी सीएम पद की शपथ। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की आज ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, शिंदे सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 14 मंत्री ले सकते हैं शपथ और सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 10 से 17 अगस्त तक मानसून सत्र होने की भी संभावना जताई जा रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की आठवीं ब्रेकिंग आपके सामने। शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। 14 मंत्री ऐसे हैं जो कि शपथ ले सकते हैं और सुबह 11 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शपथ ग्रहण समारोह होगा राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 10 से 17 अगस्त तक मानसून सत्र के होने की भी संभावना है। नौवीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे सोनीपत से है। बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। गोलियों से युवक को किया छलनी, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सोनीपत में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुलेआम गोलीबारी की जा रही है और किसी भी प्रकार का कोई खौफ, कोई भी भय जो है वो बदमाशों के मन में नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि गोलियों से युवक को छलनी कर दिया गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे विधानसभा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, हर सत्र के अंदर इस प्रकार का कॉल अटेंशन मोशन आता है लेकिन अब की बार ये जो कॉल अटेंशन मोशन था एक विशेष परिस्थिति को लेकर था। इसमें विधायकों को ही धमकियां मिल रही थी, विपक्ष को इसका पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। हर सत्र के अंदर इस प्रकार का कॉल अटेंशन मोशन या एडजर्नमेंट मोशन आता है लेकिन आपकी बार जो ये कॉल अटेंशन मोशन था या अडजनमेंट मोशन था एक विशेष परिस्थिति को लेकर के था, विशेष घटना को लेकर के था और वो घटना थी जो हमारे विधायकों को थ्रेट्स आए थे। उस थ्रेट्स को लेकर के हमने कॉल अटेंशन मोशन एडमिट किया था और विपक्ष के साथियों को बजाय विधानसभा के अंदर चर्चा करने की पॉलिटिकल इशू बनाने की जो एक मंशा रहती है। अब जब हम कह रहे हैं कि आप विधानसभा के अंदर चर्चा करिए तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, वो वॉकआउट करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के साथियों को एक सार्थक चर्चा विधानसभा के अंदर करने के लिए करनी चाहिए और हम हर जनहित के मुद्दे को, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को विधानसभा के अंदर डिस्कस करने के लिए तैयार है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि हरियाणा में कुछ विधायकों को जबरन वसूली के कॉल और धमकी मिलने की सूचना मिली थी जिसकी सूचना मिलते ही संबंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और सदस्यों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच विशेष कार्यबल को सौंपी गई ताकि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों की खुफिया एजेंसियां और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रदेश सरकार ने 10 मुख्यमंत्री, 10 गृहमंत्री और 10 DGP मेडल देने का फैसला किया है और ऐसे पुलिस कर्मियों को 21,000 की राशि और 6 महीने का सेवा भी विस्तार दिया जाएगा।
हमें जिन लोगों ने इसमें काम किया है और ये सफलता तक पहुंचे हैं उनको हमें शाबाशी देनी चाहिए, सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इसीलिए मैंने हरियाणा पुलिस में 30 इनामों की मंजूरी करवाई है, 30 इनाम पुलिस को देने के लिए। 10 मुख्यमंत्री जी के नाम से जाएंगे सीएम मेडल, 10 मेरे नाम से जाएंगे एचएम मेडल और 10 डीजीपी के नाम से जाएंगे डीजीपी मेडल, और उनको 21,000 रुपया नगद और 6 महीने की एक्सटेंशन देंगे, हर साल दिया जाएंगे। हमने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया। कॉल दुबई के नंबर से आ रहे थे, सबसे पहले हमने एसटीएफ को मुंबई भेजा। इनके पास से सर 55 एटीएम कार्ड मिले, अट्ठानवे सिम कार्ड मिले, 24 मोबाइल फोन मिले, 22 बैंक पासबुक मिली। ये नारनौत के गांव बुढ़ाना में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुराना बस अड्डा से लेकर डीएसपी कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि बुढ़ाना के मंदीप और राजवीर के खिलाफ गांव की ही महिला ने सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दें कि महिला ने एसटी एक्ट के तहत झूठी FIR दर्ज करवाई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन गांव में आकर इस मामले में इंक्वायरी करे और उसके बाद FIR करे। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर नारनौत के DSP को एक ज्ञापन भी सौंपा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। आज 12 साल पहले हरियाणा में जाति के नाम पर राजनेताओं ने जहर घोलने का काम शुरू कराया था एससी एक्ट की आड़ लेकर। वो एससी एक्ट पूरे हरियाणा को, तकरीबन 200 गांवों को आपस में भाईचारा खराब करके आज बुढ़ाना गांव में घुस गया है। हमारे गांव के एक परिवार को माध्यम बना के 80 का एक वकील गांव का भाईचारा खराब करना चाहता है। तकरीबन 1 साल पहले गांव के 6 नौजवानों पर झूठी FIR दर्ज कराई थी। पानीपत में लोग 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल का विरोध कर सकते हैं। लोग दरअसल सेक्टर 18 में खुले शराब के ठेके की मांग हटवाने का मुद्दा गरमाता यहां जा रहा है। ठेका हटवाने के मुद्दे को लेकर यहां लोग 21 दिन से धरने पर बैठे हैं। अब इन लोगों ने डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन यहां पर कमिश्नर से मुलाकात भी की। ठेका हटवाने को लेकर स्थानीय लोगों की DATC से बातचीत हुई और ठेका हटाने को लेकर कोई खास आश्वासन उन्हें नहीं मिला। गुस्साए सेक्टर के लोगों ने कहा कि अगर ठेका नहीं हटाया गया तो सीएम मनोहर लाल का काफिला पानीपत टोल प्लाजा पर रोक कर पूरा का पूरा सेक्टर 18 सड़कों पर उतर आएगा। ठेके की बात है, वहाँ के कॉलोनी वासी ठेके को नहीं चाहते और आज इसी विषय में बात करने के लिए DTC साहब के पास आए थे और इनको समस्या रखी थी, भाई वहाँ से ठेका उठा दो। बड़ी असंवेदनशीलता की बात है कि बेचारे इनको लगभग तीसरा हफ्ता होने को है और कोई भी जनप्रतिनिधि इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है कि जनता ठेका नहीं चाह रही तो मजबूर होकर के, क्योंकि इन्होंने फैसला किया कि जब तक ठेका नहीं उठेगा धरना जारी रहेगा और आंदोलन को जितना तेज किया जाएगा। तो हम तो सरकार से भी अपील है कि भाई 15 अगस्त देश की स्वतंत्रता दिवस का दिन है, लेकिन जब लोग मजबूरी में अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य ठीक करने के लिए अगर काले झंडे भी उठाने पड़े तो ये मजबूरी में उठाने पड़े। बिजली के निजीकरण के लिए संसद में रखे जा रहे बिजली संशोधन बिल के विरोध में देश के तमाम बिजली कर्मचारियों ने काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अम्बाला के बिजली घरों में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि जल्दबाजी में इस बिल को संसद में न पारित कराया जाए। कर्मचारी नेता देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि पूरे देश के बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने बताया कि बिजली संशोधन का मसौदा लोकसभा के सांसदों को दिया गया है और इस पर केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट है कि इस बिल पर किसी से भी राय नहीं मांगी गई। आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बिजली बिल अमेंडमेंट 2022 के विरोध में, जो कि आरके सिंह बिजली मंत्री हैं, उन्होंने सदन के पटल पर रखने के लिए उसको मसौदा तैयार किया है, वो कर्मचारियों के हित में भी नहीं है और आम उपभोक्ता के हित में भी नहीं है। जब 2003 अमेंडमेंट बिल आया था उसको स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा गया और उसके बाद जनता से कर्मचारियों से पूरी बात हुई, लेकिन इस बिल में कोई भी कर्मचारी से बात, यूनियन संगठनों से बात नहीं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।